हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीके टेक्निकल सोनी में। आज मैं आपको बता दूं कि ई मित्र आईडी कैंडिडेट के लिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो ई मित्र है वो ओपन करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है। जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। उसमें आपको लिखना है बोनाफाइड, जो भी आप बनाना चाहते हो, बोनाफाइड जाति एससी एसटी ओबीसी की। तो मैं यहाँ बोनाफाइड के लिए बता रहा हूँ। ये आप जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यूज कर सकते हो। फिर आपको इस पर क्लिक करना, ये बोला कि लैंग्वेज चेंज करनी है तो लैंग्वेज चेंज करने की जो सेवा है वो हिंदी में मिलेगी आपको। इतना होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप सबसे पहले कैंडिडेट की बमश आईडी, आधार आईडी या फिर मित्र पंजीकरण आईडी। ये दो आईडी तो आपके पास होगी। बाय चांस किसी के पास आधार ना हो, बमश ना हो, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है वो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए आपको मित्र पंजीकरण संख्या बनानी होगी। उसके लिए तो यहाँ आप देख रहे हो कि नीचे लिखा हुआ नए मित्र पंजीकरण हेतु क्लिक करें। तो आपको इस पे आप देख रहे हो ये माउस कर्सर इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो नया विंडो पेज ओपन होगा। ये देखिए, मैं आपको करके बता दूं, ये देखिए ये नया पेज एक्टिव यानी ओपन हो चुका है। यहाँ आपको करना क्या है, सिंपल सी प्रोसेस है वो करनी है। यहाँ आपको करना है, यहाँ अगले की भामाशाह नंबर लिखने हैं। आपको बनाने का तरीका तो दूसरा भी है, लेकिन मैं तो आपको ईजी तरीका बता रहा हूँ। सबसे ही करना है, फिर उनमें से आपको जो नाम है वो सिलेक्ट करना है, किसके नाम क्या बता बना रहे हो। ये देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ करना है। फिर आपको करना क्या है, इसके बाद ये जो नंबर है ये आपको कट कर देने हैं दोनों साइड के। क्यों, हमें ये नहीं चाहिए। ये आपको ये चीजें आ गई है, यहाँ डिटेल है आपके पास, वो डिटेल आपको वैसी की वैसी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें जो नाम है वो दे देने हैं। जैसे मैं दे रहा हूं, इसके बाद आपको हिंदी में भी करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको जो ई मित्र की साइट पे जाके आप हिंदी का जो ऑप्शन है वो ओके कर दीजिए। फिर आप वापस से इस पेज पे आके, यानी बहुत ही सरल तरीका है, यहाँ सुरेश है तो अब हिंदी में या लिखिए कि इसके बाद जेंडर चेंज कर दीजिए। यहाँ जेंडर भी चेंज किया, ये देखिए ठीक है इनकी। एड्रेस में चाहे तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप इनका। जैसे मैं कर रहा हूँ, अब आपको वापस से इंग्लिश में करना होगा। ये थोड़ी हिंदी इंग्लिश की तो थोड़ी रहेगी। ये मैंने एड्रेस चेंज कर दिया। यहाँ कंट्री चूज कर लीजिए, यहाँ स्टेट चूज कर लीजिए और यहाँ डिवीज़न, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ आपकी तहसील आ जाएगी। यानी आपको मैन्युअली करना पड़ेगा सब कुछ। इसके बाद अपना गांव अपने करना क्या है, आपको सेमेज ओके पे करना है, नीचे वाला एड्रेस आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, यानी आपको यहाँ भामाशाह नंबर लगा के उसकी डिटेल्स ले लेनी है। इसके बाद जैसे सहेजे पे क्लिक करोगे तो इसकी मित्रा जो आईडी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो डेटा को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है, यूर ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर ये, तो ये इसकी जो आईडी है, ई मित्र रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो आईडी बन गई है। और इससे आप आगे के फॉर्म लगाने के लिए उपयोग में ले सकते हो।
ये कि बहुत ही सरल तरीका था ई मित्र आईडी बनाने का, तो चाहे उसका भामाशा है या भामाशा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये जानकारी, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट देना फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।